हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 4.35 का हेयर कलर विद 20 वॉल्यूम के साथ। ये हेयर कलर जिन्हें हाईलाइट करा रखी हुई है या हाईलाइट ब्लॉन्डिंग कलर या कोई भी ऐसा कलर करा रखा हुआ है उसको फिल कराना है, तो उसको फिल कराने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम 4.35 या कोई भी 5.4 के ऐसे कोई भी नॉर्मल शेड ले सकते हैं। इससे हमें बिल्कुल नेचुरल लुक मिल जाता है, ब्लैक ब्लैक भी नहीं लगता है और फिलिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसको फिल करने के लिए जो अपने पास ब्लॉन्डिंग वाले हेयर होंगे, जो ब्लॉन्डिंग कराई होगी, समझ लीजिए उन्हें ब्लॉन्ड कलर करा रखा है, वो डल हो गया है, ऑरेंज में आ गया, कॉपर में आ गया, उसको न्यूट्रल कराना है या उनको खत्म कराना है, तो उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा। अगर हमारे पास ये देख सकते हैं आप, पूरा ब्लॉन्डर वाला ही कलर है, ब्लॉन्डर वाले हेयर है, ब्लॉन्डिंग करी हुई है पहले से। अब इसको मैं न्यूट्रल करने जा रहा हूँ, मतलब इसमें ब्लैक शेड भी नहीं आए और नेचुरल हेयर लगने लगे। नेचुरल मतलब कि जैसे जो कॉमन हेयर होते हैं वैसा शेड आ जाए इसमें, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि आर्टिफिशियल कोई कलर किया हुआ है। तो हम इसको लगा के 20 के साथ मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग रेशो 1:1.5 है और लगाने के बाद हम 30-35 मिनट समथिंग छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा कलर आ जाता है प्रॉपरली। हम वॉश करेंगे, शैम्पू कर लेंगे, मास्क लगा लेंगे। क्लाइंट को आप अगर हाईलाइट लगाया हुआ है तो हाईलाइट वाले सेक्शन में बस लगाना है, और ग्लोबल हाईलाइट है तो ग्लोबल में लगाना है, और पूरा ग्लोबल भी कर सकते हो आप, इससे टचअप भी कर सकते हो। अगर ग्रे है तो ग्रे कवरेज में आपको बेस कलर 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर 50% ग्रे है तो 50-50 दोनों को ले लेना, 30 है तो 30-80-40 कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जितना ज्यादा ग्रे है उतना ज्यादा बेस डालना होगा। पर अगर ग्रे नहीं है, अगर 20% ही ग्रे है तो ये आपका कवर कर लेगा। 30 मिनट्स रखने के बाद आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत प्यारा ही आया है ब्राउन। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।